तमाशा सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले आ चुका है करीब और जल्द ही इस सीजन को अपना विनर मिलने वाला है और वो कौन होगा इसका फैसला बहुत जल्द होने वाला है। लेकिन इससे पहले बात करते हैं सीजन के आखिरी हफ्ते की इविक्शन की, जिसमें नताशा अली हुई तमाशा घर से आउट, जहां बहुत सारे लोग इस इविक्शन को अनफेयर करार दे रहे हैं। तमाशा के फैंस नताशा की इविक्शन पर काफी अफसरदा नजर आए और उन्होंने खुलकर अपनी राय का इजहार करते हुए तमाशा के मेकर्स पर काफी तनकीद की, जबकि कुछ पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज ने भी इस फैसले को गलत करार देते हुए अपनी राय शेयर की। अदाकारा अमन खान ने अपनी स्टोरी में लिखा, तमाशा घर की शेरनी, तमाशा की रौनक, तमाशा घर को सबसे ज्यादा कंटेंट देने वाली आउट हो गई। ये उनके लिए काफी शॉकिंग है कि कुछ अनडिजर्विंग और अनरियल लोगों के रहते हुए नताशा अली आउट हो गई। आगा अली ने भी अपनी इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, नताशा तुम तमाशा घर की कॉन्टेंट क्वीन थी, तुमने रियल रहते हुए अपना बेस्ट दिया, तुम ऑलरेडी एक विनर हो। सबूर अली ने भी रिएक्ट करते हुए लिखा, उन्होंने नेहा की तरफ इशारा करते हुए लिखा, छुट्टी जिसकी होनी चाहिए थी वो आज भी लड़कों से अपना काम करवा रही है, नताशा वेल प्लेड। जबकि गैलेक्सी लॉलीवुड की अम्मा ने लिखा, तमाशा टीम और बादशाह सलामत वेल डन, आपने तो पाकिस्तानी सियासत को भी पीछे छोड़ दिया, नताशा को आउट किया और नेहा को सेफ और इस कदर डिग्रेड तरीके से निकाला, ये हरकत आपको बिल्कुल भी जेब नहीं देती, जबकि आप पाकिस्तान के सबसे बड़े रियलिटी शो का दावा करते हैं। मोमिन अली मुंशी ने लिखा, कम वोट की बिना पर नताशा का घर से आउट होना इस सदी का सबसे बड़ा जोक है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, क्या वाकई नताशा घर में रहना डिजर्व करती थी या उनका आउट होना फेयर है? अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए और आपके ख्याल में कौन होगा तमाशा सीज़न 2 का विनर कमेंट में हमें ज़रूर बताइए और ऐसी ही मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।